तेरी प्रेम कहानी का मैं हीरो। बेटा आज तो तुम दरवाजा बंद करके बच गए, लेकिन अब तुम्हारी पोल पट्टी सब खुल चुकी है। पहले तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी, फिर तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। उस लड़की के बारे में जानने के लिए मुझे तिवारी जी से पर्सनली मिलकर इनसे उगलवाना पड़ेगा। हे भगवान, आई लव यू बोल रहा है और गाना भी गा रहा है। हाँ माँ जी। आ बिटिया, हम आते हैं, आके उसका खबर लेते हैं। वैसे आप जो इतनी देर से चिचिया रहे हैं कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, क्या आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है। आप मेरे दोस्त की बीवी हो, मतलब बीवी की जगह होती तो क्या करती? मैं भी विपु को घर से बाहर निकाल देती। अच्छा ऐसा है, तो ये सुनिए भाभी जी। हाँ भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है। हम तो खुले रुस्तम हैं, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड है। विभू की आवाज है। जी हाँ भाभी जी, खालिस साक्षात एकदम प्योर भभूति जी की आवाज है, और उन्होंने ही हमारे सामने ये कबूल किया है और हमने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। अब हम इस दुविधा में थे कि आपको न बताएंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे, इसलिए जी, हम आप ही की राह देख रहे थे। हम तो कब से आपकी राह देख रहे हैं। अक्का बोले? नहीं, मैं अभी तिवारी जी से मिलकर आ रहा हूँ। अक्का हुआ, कुछ पता चला कि नहीं? भाभी जी, मैंने बड़ी कोशिश की उनकी गर्लफ्रेंड का नाम जानने की, लेकिन पार्टी टच से मस्त नहीं हुई। मतलब ये कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताया। हाय दिया, अब उस चुड़ैल सूटी का पता कैसे चलेगा? भाभी जी, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहें तो मैं अर्ज करूं। हाँ बताइए। आप भी किसी के साथ अफेयर कर लीजिए। हाय दिया, ये क्या बात कर रहे हैं भरभूति जी आप? मतलब आपको एक्टिंग कर रही कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है तिवारी जी के सामने, बस और क्या? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। भाभी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे अफेयर अफेयर को मारता है। अब कहा कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए भाभी जी, ये बात तो कंफर्म है कि तिवारी जी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ, जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि आपका भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो उनके तोते उड़ जाएंगे। वो ख्वाब में सोच नहीं सकते कि आप जैसी गाय औरत का भी किसी के साथ अफेयर चल सकता है। और फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि तिवारी जी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपके पैर में गिर जाएंगे और माफी मांगेंगे कि अंगूरी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन ये फेयर बेफेयर करने में हमको शर्म आएगी। भाभी जी, आपको सिर्फ अफेयर करने की एक्टिंग करनी है, वो भी फोन पर। मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपसे कि आप बारिश में शिफॉन की सफेद रंग की साड़ी पहन के डांस कीजिए हीरो के साथ। सिर्फ फोन पे बात कीजिए, रोमांस कीजिए, बस और क्या। आप फोन पे बात किससे करेंगे? राज से। राज कौन है? राज भाभी जी, मैं हूँ। आप मेरे साथ रोमांटिक बातें कर सकती हैं? नहीं नहीं, हम आपके साथ ऐसी बात ना ही कर सकते हैं। भाभी जी, अगर आप शर्माती रही ऐसे तो आपके लड्डू, मतलब आपके लड्डू के भैया आपके हाथ से निकल जाएंगे। प्लीज 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 प्लीज, इन आंसुओं को पोंछ डालिए। आई हेट टीयर्स। तो काहे ऐसी ऐसी बातें करते हैं आप? तो फिर जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही कीजिए, प्लीज। अब राइट, ठीक है। That's like a good girl. पांच सौ अट्ठाईस गुणा दो, हाँ बोलो स्वीटी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्वीटी, हाउ आर यू स्वीटी? फाइन सर। सर आपने जो टिप्स दिए थे ना सर, बड़े ही कमाल के थे सर। थैंक यू स्वीटी। हाय दया, फिर से वो स्वीटी से बात कर रहे हैं। लव यू सर। लव यू टू स्वीटी। और सर आपको एक और खुशखबरी देनी थी सर। हाँ बोलो स्वीटी। सर, आई एम इन लव विद अ गर्ल। है
यू आर इन लव. आई एम ऑल्सो इन लव स्वीटी विथ भाभी जी. हाय दया, लट्टू के भैया भी वो लड़की के प्यार में गिर पड़े हैं. लेकिन सर आप तो शादीशुदा है ना. अरे यही तो समस्या है कि हम मैरिड हैं. क्या है ना, मैरिज के बाद खेल खुल के हो नहीं पाता. सब कुछ एकदम लुका छिपी में करना पड़ता है, समझ रहे ना. हाँ लड्डू के भैया, आप हमको हॉट कर दिए हैं. अब आप देखिए, हम भी आपके साथ ऐसे नाटक खेलेंगे ना कि आप भी हॉट हो जाएंगे. लेकिन फिर भी जब भी हमारा मन करता है तो बस हम दूर से ही दर्शन करके संतुष्ट हो जाते हैं. क्या है कि हमारी जो बीवी है ना, एकदम निरी गऊ है. वो हमसे बहुत प्यार करती है. जब भी हम हमारा मन भटकने लगता है, उसका भोला मासूम चेहरा हमारे सामने आ जाता है और बस हम संभल जाते हैं. क्या बात है सर, क्या बात है. आपसे जब भी बात होती है ना सर मेरी, तब मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है सर. लव यू सर. आई लव यू टू स्वीटी. थैंक यू सर. हेलो भाभी जी. हाँ हेलो राज. ओ, लगता है भाभी जी तिवारी जी को तपा रही हैं. चलो इस बहाने रोमांटिक बातें तो हो जाएंगी. राज, हम तुम भी सिनोरिटा बोल रहे हैं. सिनोरिटा राज. भाभी जी, इट्स नॉट सिनोरिटा, इट्स सिनोरिटा. सही पकड़े हैं. कैसे बार आज? I'm fine, how are you? हम ठीक बा. और आज, और तुम्हारे पिताजी कैसे बा? He's fine too. हाँ, तुम्हारी बहन कैसे बा? उसके लिए कोई लड़का मिला या नहीं? हम ढूंढेगा. भाभी जी, पड़ा छोड़िए और रोमांटिक बातें कीजिए. क्या बोले? मैंने कहा कि ये बाप माँ बहन भाई को क्यों ला रही है बीच में. मैंने कहा रोमांटिक बातें कीजिए, रोमांस लाइए, रोमांस. ये भी तो रोमांटिक बातें हैं. ये रोमांटिक बातें नहीं है भाभी जी. रोमांस में जानू, स्वीट हार्ट, माँ बेबी, ऐसा कुछ बोलिए ना. नहीं नहीं, आपको सर मार रहा है. ओ कम ऑन भाभी जी, तिवारी जी है वहां पर. तो उन्हें जलाइए, उन्हें तपाइए. जब तक वो जलेंगे नहीं, उनके जज्बात कैसे बाहर आएंगे. अच्छा आप मुझे आई लव यू बोलिए. हाय दया. भाभी जी कम ऑन, से आई लव यू. I yes love oh God you. Oh God. I love you too, Senorita. Suna tumne? I love you. Senorita? मतलब पहले स्वीटी, अब Senorita? Senorita, Raj loves you very much. Senorita, तुम्हारा ये राज तुमसे बहुत प्यार करता है. राज? ये आदमी फेक नाम से लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है. Disgusting. Senorita, एक बार फिर बोल दो I love you. Come on, Senorita. Please, एक बार कहो I love you, Raj. Senorita, please say I love. Anu? Get lost from my house. Get lost. अनु मेरी बात तो सुनो. एक शब्द भी मत बोलना.
नहीं तो गोली मार दूंगी पहले तुम्हें और फिर अपने आप को। अंगूरी, तुमने आज हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अरे हम तुम्हें गऊ समझते थे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ये गुल खिलाओगी। अरे हमने तुम्हें गुलाब का फूल समझा था, लेकिन तुम तो धतूरे का फूल निकली। भगवान तुम हम क्या कर रहे, हम सबको कितने गर्व से बताते थे कि बीवी हो तो अंगूरी जैसी। अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तुमने हमारी इज्जत के कच्चे बनियान पे अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इतना बड़ा छेद किया है कि उसे दुनिया का कोई भी सुई धागा सिल नहीं सकता। ये सुसरा कौन आ गया? लगता है सेनोरिटा से मिलने राज आया है, हम इसका मुंह तोड़ देंगे। हमने क्या किया अम्मा? चुप एकदम, चुप। नहीं तो छाता तुम्हारे मुंह में घुसेड़ के ना खोल भी देंगे। बहुत जवानी छा रहा है, है? है? बहुत ही सका रहा है तुमको। अरे इसक हम क्या कर रहे हैं? इसक बाजी तो तुम्हारी बहुरिया कर रही है। बेटे, एक तो खुद जो है लौंडिया के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा है और हमारी गऊ जैसी बहुरिया पे इल्जाम लगाता है। हम जाएंगे कहाँ? अरे वही जा, वही लौंडिया के पास में जिसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। अरे कौन सी लौंडिया? चल चल बाहर, हमारे बात कर रहे हैं, चलो हमारे समझ करो। तुम चलो और कैसे कर तुम। हदया अम्मा जी, अब इतनी रात को कहाँ जाएंगे वो? अब भाड़ में जाने दो उसको, दो चार दिन भूखा प्यासा भटकेगा ना तो अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा और ये जो इसक का बुखार है ना वो उतर जाएगा। अम्मा जी स्वीटी के पास चले गए तो? अरे इसक कुछ नहीं होगा बिटिया, ये स्वीटी उटी जो है वो चार दिन की चांदनी है, अब कुछ नहीं समझे। हाँ जाओ हमारे लिए खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगा है, बैल के चक्कर में खाना भी नहीं खाए हैं। और सुनो एक गिलास गरम दूध भी ले आना, बैल को पीट पीट के ना हम तनी दुबला गए हैं तो दूध पी के मेंटेन कर लेंगे। जाओ ठीक भाभी लाते हैं। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया, देवा। पानी डाल, पानी डाल। पटियाला बना लार्ज। ये आपका गाल कैसे सूजा हुआ है? कहां से पिटके आ रहे हैं आप? अरे वो
क्या बताएं, पता नहीं किस घटिया कमबख्त इंसान ने अंगूरी के दिमाग में ये बात डाल दी कि हमारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पर अंगूरी ने ये बात अम्मा जी को बता दी और अम्मा जी ने पीट पीट के हमें घर से बाहर निकाल दिया। सही किया उन्होंने, सही किया, यू डिजर्व इट। क्या बकवास कर रहे हैं आप? घर पे इतनी अच्छी खूबसूरत जवान, इतनी अच्छी बीवी को छोड़ के आप बाहर औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे, लानत है आप पे। यही शब्द मैं लानत में लपेट कर आपके मुंह पर दे मारता हूं। इधर आपने गिरबा में झांक कर तो देखिए कितने दूध के धुले हैं आप। मैं दूध का धुला हुआ हूं? अरे खाक दूध के धुले हुए हैं। घर में इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए गर्लफ्रेंड पाल रखी है। ये किस घटिया आदमी ने कहा कि मैंने गर्लफ्रेंड पाल रखी है? वो घटिया इंसान खुद आप ही हैं। भूल गए उस दिन क्या कहा था? खुद कबूल किया था कि हमारी एक नहीं, हमारी तो अनेकों हैं, तीन तीन हैं। वो तो आपका भेद जानने के लिए मैंने वो झूठ मूठ कहानी बनाई थी। मैं जान सकता हूँ आप कौन सा भेद जानना चाह रहे थे? देखिए, आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? अच्छा, मान लीजिए हमारी गर्लफ्रेंड है, वैसे तो नहीं है, लेकिन आपको हमारी गर्लफ्रेंड में क्या दिलचस्पी है? मुझे ना तो आप में कोई दिलचस्पी है और ना ही आपकी गर्लफ्रेंड में कोई दिलचस्पी है, भाभी जी को दिलचस्पी है। अच्छा जी, तो मतलब वो घटिया विचार आपने अंगूरी के दिमाग में डाला? जी नहीं, भाभी जी ने नींद में गाना गाते हुए आपको देखा और मुझे दिखाया भी। आपको दिखाया भी? जी मतलब आधी रात को आप हमारे बेडरूम में थे? जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई आधी रात को हमारे बेडरूम में घुसने की? मैं आया नहीं था, बुलाया गया था, भाभी जी ने बुलाया था, उनको डाउट था कि आप नींद में किसी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उन्होंने मुझे आपके पीछे लगा दिया और इस चक्कर में मुझे घर से निकाल दिया। क्या बका आपने? अनु ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भाभी जी ने आपको भी घर से बाहर निकाल दिया? उन्होंने मुझे सिनोरिटा बन के फोन किया और मैंने राज बन के इनका फोन रिसीव किया और ये पूरी बात अनु ने सुन ली। मुझे क्या? कौन सी बड़ा बड़ी कड़वी है यार। आइए फिर तो। अरे वही, और कुछ चखना उखना नहीं है कि चने वने? देखो तैया, का है अम्मा जी ने लड्डू के भैया को बाहर निकाल दिया और घर के अंदर ही मार लेती, पता ना ही अब कहाँ चले गए होंगे, किस हाल में होंगे। अम्मा जी तो सो रही है, अब बाहर जाके ढूंढे का उनको। हाँ लगता है लड्डू के भैया आ गए होंगे। अका चाहिए? जी मैडम, मनमोहन तिवारी सर घर पर हैं? ना ही वो घर पर ना ही है। हाउ आर यू? सर का आशीर्वाद है, मजे में है। हदिया, हम पूछ रहे हैं आप कौन हैं? सॉरी, आपका मतलब है हु आर यू? ऐसे ही पकड़े हैं बस मैडम, यूं समझ लीजिए कि सर का चेला है और मेरा नाम स्वीटी अग्रवाल है। स्वीटी अग्रवाल? जी मैडम, सर अक्सर मुझसे बात किया करते हैं, कल रात में भी हमारी बात हुई थी, सर ने कहा आ जाओ, मैं आ गया। दरअसल मैडम, मैं कच्छा और बनियान का बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो सर से हमेशा कॉल करके टिप्स लेता रहता हूँ। हदिया, कल रात को लड्डू के भैया को कितने बजे फोन किया था आपने? लड्डू के भैया को नहीं, तिवारी सर को। हाँ हाँ वही, कितने बजे किया था कल रात को फोन? ओह, 10:30 बजे। हदिया, लड्डू के भैया इस स्वीटी से बात करते थे और हम समझे थे इस स्वीटी कोई लड़की है, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। स्वीटी, चलो हमारे साथ चलो। क्या हुआ? चलो हमारे साथ, बोल रहे तो।
चलो। विभु ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बेवफा समझा था लेकिन तुम तो बदचलन निकले। छी छी विभु, छी छी। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, आप आइए आइए। अनीता जी, आपने कहीं लड्डू के भैया को देखेगा? नहीं नहीं अंगूरी जी, मैंने तो तिवारी जी को कहीं नहीं देखा। हत्या, हाँ हाँ हाँ, भरभूति जी को पता होगा, भरभूति जी कहाँ हैं? अंगूरी जी, मैंने विभू को घर से ही निकाल दिया। हत्या, अपने भरभूति जी को घर से निकाल दिया, काहे? अंगूरी जी, विभू ने मेरे साथ धोखा किया, न जाने कितनी लड़कियों को घुमा रहा था वो, स्वीटी, सेनोरिटा और न जाने कौन कौन। नहीं नहीं अनीता जी, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग एंडिंग हो रहा है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है मैम। ऐसे ही पकड़े है। ये आपके साथ कौन है? ई स्वीटी हाँ। क्या इसका मतलब विभू का अफेयर इनके साथ था? हदिया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम आपको बताते बात का है। स्वीटी अपना कान बंद करो। कैसे कैसे नाम रखे है। ओ ये भगवान, ये मैंने क्या कर दिया।